हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 सोशल साइंस का चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 4 सोशल साइंस, क्लास 4 साइंस, क्लास 4 मैथ्स, क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर या क्लास 4 कंप्यूटर्स का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सभी सब्जेक्ट्स के सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और अब लर्निंग नोटबुक के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर हम सीखेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फिर स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच लेज डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट अ स्टेट और अ कंट्री इज गवर्न्ड बाय। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं कि हमारी इंडिया की किसी स्टेट को या हमारी पूरी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। इसका मतलब है कि इंडिया के किसी स्टेट में कैसे गवर्नमेंट बनाई जा सकती है, उसको कैसे गवर्न करा जा सकता है, या हमारी पूरी कंट्री को कैसे गवर्न किया जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बन सकती है। इन अ डेमोक्रेसी अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द सिस्टम ऑफ वोटिंग एंड हाउ रूल्स और लॉज हैव टू बी मेड। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, जैसे कि हमारी इंडिया है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है कि वोटिंग कैसे करी जानी, उसका पूरा सिस्टम डिटेल में लिखा होता है, उससे रिलेटेड रूल्स और लॉज भी लिखे हुए हैं। जैसे कि रूल है कि भाई 18 या अबव 18 ईयर्स का पर्सन ही वोट कर सकता है, तो ऐसे ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं इसमें वोटिंग से रिलेटेड। इट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द लीडर्स एंड द गवर्नमेंट। इसमें जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इन सब के रोल लिखे हुए हैं, उनको क्या क्या उनकी ड्यूटीज है, उनके इसको अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट का भी रोल लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स द रोल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ गवर्नमेंट के रोल्स नहीं हैं, हम सिटीजन्स के भी रोल्स लिखे गए हैं। हमारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री की तरफ, ये सब डिटेल में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? ये बना था 26 नवंबर 1949 में। और किसने बनाया था? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो मेन पर्सन था जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्हें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। This constitution came into effect on 26 January 1950. अब देखिए स्टूडेंट्स, 26 नवंबर 1949 को तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, पर ये इफेक्ट में कब आया, इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। Since then the Republic Day is celebrated every year to mark the adoption of the Indian Constitution. और इसी वजह से हम हर साल 26 जनवरी को एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, उसे इफेक्ट में लाया गया था। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर लैंड। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है, वो सुप्रीम लॉ है, उसके ऊपर कुछ नहीं आता है। All the laws which are made by the government must conform to the constitution. हमारी government, हमारी सरकार जो भी laws बनाती है वो इस constitution के according ही होने चाहिए, ठीक है? And the Indian constitution is the longest written constitution in the world. हाँ students, ये भी एक important point है कि जो हमारा Indian constitution है
वो पूरी दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट फंडामेंटल राइट्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम हर सिटीजन को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक राइट्स लिखे हुए हैं हर सिटीजन के लिए, तो उन राइट्स को कहा जाता है फंडामेंटल राइट। दीज राइट्स आर फॉर वेल बींग ऑफ द सिटीजन्स। अब हमें ये राइट्स क्यों मिले हैं? ये हमारी वेल बींग के लिए, हमारी भले के लिए, हमारी अच्छाई के लिए हमें ये राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं। दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम इवन बाय द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे ऐसे राइट्स हैं जो गवर्नमेंट हमसे कभी छीन नहीं सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे हैं, लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है, और ये हमारी सरकार हमसे नहीं छीन सकती। दिस मीन्स वी कैन मूव टू कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स इवन इफ दे आर डिनाइड। इसका मतलब है कि अगर कभी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये राइट्स हमारे नहीं हैं, तो हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। हम कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पे हम केस फाइल कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमारे ये राइट्स हमसे क्यों छीने जा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सिटीजन्स को सिक्स फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और आखिरी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये छह फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। लेट्स स्टडी ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। तो पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। क्या मतलब है इसका? राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि हम जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, हम सब बराबर हैं लॉ के आगे, यानी कानून के सामने। सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वल हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई एक आम आदमी हो, सबके सब कानून के आगे इक्वल हैं। ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। जितने भी सिटीजन्स हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी रिलीजन फॉलो करता हो, या कहीं भी इंडिया में पैदा हुआ हो। किसी में कोई भेदभाव नहीं होता। इसका ये मतलब है राइट इक्वालिटी का। हाउ एवर एन एक्सेप्शन हैज बीन मेड फॉर सम वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर दीज सेक्शंस इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। पर स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन बनाया गया है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं हमारे इंडिया में, यानी जो गरीब, बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए एक एक्सेप्शन बनाया गया है। इसमें उनको सीट्स रिजर्व होती हैं उन लोगों के लिए, कहाँ पे? स्कूल्स में, कॉलेजेस में और गवर्नमेंट ऑफिसेस में। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग होते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको उस गरीबी से निकालने के लिए, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व करी जाती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और सरकारी ऑफिसेस में। अब सेकेंड फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम। इट रेफर्स टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट मीन्स दैट एवरीबडी हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। अब राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें आजादी है बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने व्यूज रखने की, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की। द राइट टू फ्रीडम ऑल्सो गिव्स इंडियन सिटीजन्स द फॉलोइंग फ्रीडम। अब इस राइट टू फ्रीडम में और भी कुछ फ्रीडम हमें मिली है, क्या क्या है वो देखते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। हम इंडिया में रहकर कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं। टू मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया। हम इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हम इंडिया के
किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं। ये सब राइट्स हमें मिले हैं इसके अंडर, राइट टू फ्रीडम में। However, the right to freedom does not mean that we can break laws and do whatever we want. Students, देखिए, ये जब rights हमें दिए हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी law तोड़ दें, या हम कोई भी illegal काम कर लें, हम कोई भी illegal profession कर लें, या हम कुछ भी गलत बोल दें या कुछ भी गलत कर दें। नहीं, ये सब चीज़ें इसमें included नहीं है। हमें ये rights दिए हुए हैं और ये rights हमें follow करने हैं कानून के दायरे में। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लेज डाउन दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स कैन बी मेड टू वर्क। तो ये राइट क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 साल से कम की है, उससे हम काम नहीं करवा सकते। ये राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसको हम एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। Many children are made to work instead of being sent to school. This is called child labor. बहुत सारे बच्चे, स्पेशली ये जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है और उनको स्कूल नहीं भेजा जाता। जबकि ये जो एज है 6 to 14 ईयर्स तक की एज में, हर बच्चे का ये राइट है कि उसको एजुकेशन मिले। ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, कि 6 to 14 ईयर्स की एज के बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, उनसे काम करवाया जाता है, जिसे कहा जाता है चाइल्ड लेबर। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट फोर्सिंग एनी वन टू वर्क विदाउट प्रॉपर पे इज इलीगल एंड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ये राइट ये भी कहता है कि अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं विदाउट प्रॉपर पे, तो वो गलत है, इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट है, और ऐसे बंदे को पनिश किया जा सकता है। अब नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट मींस दैट एवरीवन इन द कंट्री हैज द राइट टू प्रैक्टिस और फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी कंट्री में हर सिटीजन का ये राइट है कि वो कोई भी रिलीजन अपनी मर्जी से फॉलो कर सकता है। पीपल फॉलोइंग एनी रिलीजन आर ट्रीटेड अलाइक। और सभी लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नो पर्सन कैन बी फोर्स टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन अगेंस्ट हिज और हर विश। और हम किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करो। जो उसकी मर्जी है, जो भी रिलीजन वो फॉलो करना चाहता है, वो फॉलो कर सकता है। अब नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इन इंडिया पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड लिव इन डिफरेंट एरिया। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में लोग बहुत से अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, और वो डेफिनेटली अलग अलग जगह रहते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन हैज द राइट टू फॉलो देयर ओन ट्रेडिशंस, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ देयर ओन चॉइस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब सिटीजन्स को ये राइट मिलता है कि हम अपने ट्रेडिशन फॉलो कर पाएँ, अपनी मर्जी के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाएँ, और जो हमारी हम भाषा बोलना चाहते हैं, जो लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, वो हम बोल पाएं। तो ये जो राइट है, वो हमें यही फ्रीडम देता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है। इन अदर वर्ड्स, पीपल हैव द राइट टू फॉलो एंड प्रोटेक्ट देयर कल्चर। तो इसलिए लोगों के पास ये राइट है कि वो अपने कल्चर को फॉलो करें और उसे प्रोटेक्ट भी करें। स्टूडेंट्स, अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, आप राजस्थान गए हैं तो राजस्थान में आप देखेंगे कि वहाँ के लोग राजस्थानी लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप हरियाणा में जाते हैं, वहाँ के लोग हरियाणवी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये अलग अलग हैं और ये अलग अलग जगह रह रहे हैं, ये अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अपने अलग ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों के पास ये राइट है कि वो अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपने फेस्टिवल्स, ये सब ये इनको फॉलो करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हर कोई हिंदी बोलेगा या हर कोई इंग्लिश ही बोलेगा। वो जहाँ रहते हैं, वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ का कल्चर प्रिजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें और उसको फॉलो करें।
और लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इफ अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट हैज बीन वायोलेटेड, ही और शी कैन गो टू अ कोर्ट एंड डिमांड दैट द राइट बी रिस्टोर्ड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कोई और आदमी हो, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हमसे ये राइट हमारे छीन नहीं सकता। और अगर ऐसा होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने ये राइट्स रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये छठा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है? बिकॉज विदाउट दिस राइट वी वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय द अदर राइट। और ये इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये राइट नहीं होगा तो जो बाकी के अभी तक हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं वो हमसे कोई भी कभी भी छीन सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़े 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे हम इंडियन सिटीजन्स के, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की। अ ड्यूटी इज व्हाट अ सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डू। अब सिटीजन्स हमने अपने राइट्स तो पढ़ लिए, पर सिटीजन होने के नाते हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसे कहते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज। सो सम ऑफ आर फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज फॉलोज। टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो सबसे पहले हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ओबे करना है, उसको फॉलो करना है। ये भी कि हम अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करें, आदर दें इनको। अनदर फंडामेंटल ड्यूटी इज टू फॉलो नॉन वायलेंस एंड मेंटेन पीस। ये भी बहुत जरूरी है कि हम सब नॉन वायलेंस फॉलो करें, यानी हमें हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का रास्ता अपनाएं और पीस मेंटेन करें। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व आर रिच हिस्ट्री एंड हेरिटेज। ये फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हमें अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, तो हमें जब भी हम ऐसी बिल्डिंग्स को विजिट करते हैं तो हमें उनको गंदा नहीं करना चाहिए, उनको प्रिजर्व रखने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आर नेचुरल एनवायरमेंट सच एज फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम जो नेचुरल एनवायरमेंट है हमारा, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ, इन सब को हम प्रोटेक्ट करें और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। अब पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कि हम बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन्स हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी के अंडर आती हैं, तो हमें यहाँ पे इनको गंदा नहीं करना चाहिए, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट वन इज टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। ये कहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें हमें एक्सीलेंट होने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता में ही हमारी कंट्री की भी सफलता है। तो ये सब हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। The Constitution of India has a section called the Directive Principles. तो हमारा जो ये Constitution है इसमें एक section है जिसे कहा जाता है Directive Principles. वो क्या होते हैं? These are the guidelines which the government must keep in mind while making laws. Directive Principles वो guidelines होती हैं जिनको हमारी government को ध्यान में रखना चाहिए जब वो laws बना रही हैं। In a way, they define the duty of the government towards the welfare of citizens. एक तरीके से ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो डिफाइन करते हैं हमारी सरकार की क्या ड्यूटी है जो उसको फॉलो करनी चाहिए हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। सो लेट्स सी सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन इज ऑल सिटीजन्स टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इसका मतलब है कि हर सिटीजन, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, सबको रोजमर्रा की जरूरतें सबकी पूरी हो जानी चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम बेसिक चीजें मानते हैं, तो ये सबको मिलनी चाहिए।
नेक्स्ट है प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो पैसा है वो ये ना हो कि सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता चला जाए, सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही पैसा रह जाए। जैसे कहते हैं कि अमीर अमीर और अमीर होता चला गया, ये नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इसका मतलब है कि चाहे मेन हो, आदमी हो या औरत हो, दोनों को ही सेम काम की इक्वल पे मिलनी चाहिए। नेक्स्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट की प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस टू वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को जो भी वर्कर्स हैं जो फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन सबको अच्छी वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए, उनका जो काम करने का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, सरकार की ये भी ड्यूटी बनती है कि वो विलेज पंचायत्स ऑर्गेनाइज कराएं। जो हमारे विलेजेस हैं, गाँव में हैं, वहाँ पे ये पंचायत ऑर्गेनाइज होती हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं, उनके सारे जो शिकायतें हैं, जो उनके सजेशंस हैं वो सुनती हैं और उन पे काम करती हैं। तो सरकार की ये भी ड्यूटी बनती है कि विलेज पंचायत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हों विलेजेस में। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव अ यूनिफॉर्म लॉ कोड फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सभी के लिए एक लॉ कोड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो रिच लोग हैं उनके लिए कुछ और लॉ है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ और लॉ है, या जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए कोई और कानून है, बाकी नॉर्मल सिटीजन्स के लिए कोई और कानून है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक ही लॉ फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है प्रमोट गुड रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज एंड मेंटेन पीस विद देम। जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं या कोई और भी जो दूर की भी कंट्रीज हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन हो और उनसे शांति का हम शांति मेंटेन करें, हमें लड़ाई नहीं करनी है। तो ये भी एक सरकार की ड्यूटी है, उसके एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया है। नेक्स्ट वन इज प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। अब देखिए स्टूडेंट्स की ये भी एक ड्यूटी है सरकार की कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें गाँव में। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है? ये वो होती है जो लोग गाँव में आपस में अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिलजुल कर कुछ बनाएं, कुछ प्रोडक्ट बनाएं और उनको बेचें। तो ये विलेजेस में होते हैं, तो ये प्रमोट करना इसलिए जरूरी है जिससे कि वहां पे रोजगार बढ़े, उन लोगों को शहरों में ना आना पड़े काम करने के लिए, वो अपने रूरल एरियाज में ही काम कर सके। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि सरकार प्रोटेक्ट करे हेरिटेज, जो हमारी हेरिटेज प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करे। Raise the level of nutrition and the standard of living of the people to improve public health. अब public health को improve करना भी सरकार की एक बहुत बड़ी duty है। उसके लिए सरकार को देखना है कि जो भाई जो खाना, जो food products वगैरह market में उतरते हैं वो adulterated नहीं होने चाहिए। हमें proper health facilities मिलनी चाहिए, लोगों का जो रहने की conditions हो वो अच्छी हो। तो इसके लिए भी क्लिनिक्स वगैरह खुलें, हॉस्पिटल्स खुलें, ये सब सरकार की ड्यूटी है। इफ अ राइट इज वॉयलेटेड वी कैन डिमांड दैट दे बी रिस्टोर्ड। अब स्टूडेंट्स जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था मैंने आपको कि अगर हमारा कोई राइट वॉयलेट होता है तो हम उसको रिस्टोर करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। हाउएवर वी कैन नॉट डू द सेम विद दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पर ये चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ नहीं है। अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो हम सिटीजन्स इस चीज के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज अ डैश इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच लेज डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट अ स्टेट और अ कंट्री इज गवर्न्ड बाय। तो क्या बताया था इधर, क्या होता है ऐसा? कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन डैश। कब आया था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट वन, देयर आर डैश फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं?
6. Fundamental dash are ones which all citizens of India must obey and follow. क्या होती हैं? Fundamental duties होती हैं जो हम हर citizen को obey करनी चाहिए. Dash are guidelines which the government must keep in mind while making laws. Answer is directive principles. To obey the constitution and respect the national flag and national anthem is the fundamental dash. ये हमारी क्या है? Fundamental duty है कि हमें constitution obey करना चाहिए, national flag और national anthem को respect करना चाहिए. No person can be forced to practice any religion against his or her wish is the dash. कोई भी person को force नहीं करा जा सकता कि वो कोई religion अपने wish, अपनी इच्छा के अनुसार ही वो कोई भी रिलीजन फॉलो करे. उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि अपनी बिना इच्छा के वो कोई और दूसरा रिलीजन फॉलो करे. तो ये क्या है? ये एक राइट है. क्या कहते हैं उसको? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन.